हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के पाठ 4 शब्द निर्माण प्रत्यय के बारे में पढ़ा। तो आज हम लोग उसी प्रत्यय के दूसरे भाग को समझेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शब्द निर्माण क्या होते हैं, ये आपको बताया गया है। थोड़ा सा समझ लीजिए, शब्द निर्माण जो है हम कई तरह से कर सकते हैं। हमारे पास शब्दों के पूरे भंडार होते हैं और शब्द के जो भंडार हैं उनसे हम नए नए तरीकों से शब्द निर्माण कर सकते हैं। जैसे उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला दें, नया शब्द बना दें और उनका अर्थ भी बदल जाए, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बना दे, उनके अर्थ में नवीनता ला दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उपसर्ग और प्रत्यय इन दोनों को ही शब्दांश कहते हैं, क्योंकि मूल शब्द में इन्हीं दोनों को हम लोग जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिए, जो उपसर्ग होते हैं उनका अर्थ निकलता है और प्रत्यय का अर्थ नहीं निकलता, और जो मूल शब्द होते हैं वो तो सार्थक होते ही हैं, उनका तो अर्थ निकलता ही है। अगर किसी शब्द को हम अलग अलग करते हैं, संधि विच्छेद, उनका उपसर्ग और प्रत्यय अलग करते हैं, तो मूल शब्द के सार्थक अर्थ निकलने चाहिए। अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो फिर आपके शब्द गलत हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग आप सबको पता है, प्रत्यय भी पता है, तो मूल शब्द जो है उसके सार्थक अर्थ निकलने चाहिए। जैसे पर्वत, पर्वत है, तो पर्वत में हम कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे कि नया शब्द बन जाए? पर्वत धन ईय मिलकर बनेगा पर्वतीय, और पर्वत का अर्थ होता है पहाड़, और ईय प्रत्यय जोड़ देंगे तो ईय का प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, और पर्वतीय का क्या अर्थ हो जाएगा? उसका भी तो अर्थ निकलेगा, पर्वत से बंधा हुआ। ठीक है, इसी प्रकार आपका कीमत, कीमत का अर्थ होता है मूल्य, तो कीमत में हम कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे कि हमारा नया शब्द बन जाए? कीमत में हम बड़ी ई जोड़ देंगे प्रत्यय, तो बन जाएगा कीमती। कीमत का अर्थ होता है मूल्य और कीमती का अर्थ हो जाएगा मूल्यवान। इसी प्रकार प्रतिभा, प्रतिभा का अर्थ होता है बुद्धि, इसमें हम कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? प्रतिभा में प्रतिभा धनवान, प्रतिभावान, ठीक है, इसका मतलब प्रतिभा से संपन्न। और आप सबने प्रत्यय के बारे में थोड़ा बहुत जाना, तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे प्रत्यय के बारे में और क्या क्या शब्द बताए गए हैं। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बने हैं, ये तो आप सबको पता चल गया, प्रति धन अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में और अय का अर्थ होता है चलने वाला, अर्थात साथ में चलने वाला। तो प्रत्यय का अर्थ परिभाषा आपको पता चल गया, और प्रत्यय के भेद भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रत्यय के भेद दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है?
पहला जो है स्रोत के आधार पर प्रत्यय के भेद हैं और दूसरा प्रकृति के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर प्रत्यय के और कितने भेद हैं, तब आप बताएंगे तीन, तत्सम, तद्भव, विदेशी। इनके जो उपसर्ग आते हैं ये स्रोत के आधार पर आते हैं, ठीक है। और प्रकृति के आधार पर कितने आते हैं, दो आते हैं, कृत और कृदंत। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। प्रत्यय के भेद, देखिए बच्चों नोट करिए, प्रत्यय के भेद पूछा जाए तो आप बताएंगे प्रत्यय के भेद दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के भेद दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? पहला है स्रोत के आधार पर प्रत्यय भेद, स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर प्रत्यय भेद, और दूसरा है प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। ठीक है, ये तो प्रत्यय के भेद हैं। पहला है प्रत्यय के दो भेद हैं, पहला स्रोत के आधार पर और दूसरा प्रकृति के आधार पर। अब पूछा जाएगा स्रोत के आधार पर कितने भेद हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। स्रोत के आधार पर तीन भेद हैं, कौन कौन से? तत्सम, तद्भव और विदेशी, इसको आगत भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रकृति के आधार पर कितने भेद हैं, प्रकृति के आधार पर दो भेद हैं, कौन कौन से? कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्भिद प्रत्यय। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब स्रोत के आधार पर तो आपको पता है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, विदेशी क्या होते हैं। तो तत्सम प्रत्यय जो होते हैं, हिंदी भाषा में संस्कृत के जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनका प्रत्यय अलग होता है, ठीक है। मान, बुद्धिमान, श्रीमान, गतिमान, तो ये मान प्रत्यय जो है संस्कृत के हैं, तत्सम हैं। और वान, वेगवान, धनवान, रूपवान, और त्व, महत्व, गुरुत्व, ठीक है, लघुत्व, और अनीय, पठनीय, गमनीय, दर्शनीय, ये सभी क्या हैं? संस्कृत के उपसर्ग हैं। तव्य, कर्तव्य, गंतव्य, ध्यावत्य, ठीक है, कर्तव्य है, तो ये सभी संस्कृत के तत्सम उपसर्ग हैं। तव्य, लिट, अन, अगर कहीं आपको दिख जाए गमन, पठन, मनन, तो इसमें लिट प्रत्यय है, ठीक है। तो ये सभी आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। और तद्भव प्रत्यय क्या है, जो हिंदी वाले होते हैं ये तो आप सभी को पता है, ई, ई, नी, आन, जैसे राष्ट्रीय, भारतीय, धनी, चांदनी, उड़ान, कटान, मिलान, ठीक है, ये सब आपके तद्भव में आ जाएंगे। और विदेशी या आगत में क्या आएंगे, बोलिए बच्चों, जो बाहर से आए हुए शब्द हैं, विदेशी उपसर्ग, सॉरी, विदेशी प्रत्यय क्या होंगे, जो बाहर से आए हुए हैं, जिन्हें हमारी हिंदी भाषा ने अपना लिया है। जैसे मंद, फिक्रमंद, अक्लमंद, खाना, हाथी खाना, तोप खाना, मेहमान खाना, और नाक, खौफनाक, दर्दनाक, खतरनाक, ये सब विदेशी हैं। दार, बेलदार, किराएदार, बकाएदार, ये सभी क्या हैं, विदेशी या आगत।
इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और दूसरा है प्रकृति के आधार पर प्रत्यय भेद, ठीक है। तो प्रकृति के आधार पर भी प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अकृत प्रत्यय क्या होता है? धातुओं के अंत में जुड़कर उनसे संज्ञा विशेषण आदि अनेक प्रकार के नए शब्दों की रचना करने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। एक लाइन में आप लोग समझिए कि कृत प्रत्यय क्रियाओं के अंत में लगते हैं, जैसे खाना पीना, चलना, खेलना, दौड़ना, भागना। तो ये जो क्रियाएं हैं इसके अंतर्गत कृत प्रत्यय आते हैं, ठीक है। जैसे पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है, तो इसको हम कैसे लगाएंगे, अलग करेंगे? पढ़ धन आई, पढ़ाई। भूलना धन अक्कड़, भूलक्कड़। ये सभी क्रिया है, ठीक है। और जो तद्धित प्रत्यय होता है ये विशेषण में लगता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं विशेषण, उसमें तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे मानवता, मानव धनता मिलकर बना मानवता। तो इतना आप सबके समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दिया है व्याकरणिक प्रकार की दृष्टि से प्रत्यय भेद। इसमें दिया है व्याकरणिक प्रकार की दृष्टि से प्रत्ययों के निम्नलिखित भेद हैं, अलग अलग। एक है वचन बोधक है प्रत्यय, लिंग बोधक, विशेषण बोधक, भाव बोधक, तुलना बोधक, व्यवसाय बोधक। अगर आप सबके पास किताबें नहीं हैं तो आप लोग जल्दी से ले लें, नहीं तो फिर पढ़ाई आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। चलिए इसको नोट कर दे रहे हैं, आप सभी लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। व्याकरणिक ये हेडिंग डालिएगा, इसका पीडीएफ भी भेज दिया जाएगा। व्याकरणिक प्रकार मतलब व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरणिक प्रकार की दृष्टि, ये हेडिंग है, दृष्टि से प्रत्यय भेद, प्रत्यय भेद, ठीक है। ये आपका हेडिंग है। अब इसके अंतर्गत कितने भेद आते हैं हम लोग उसको लिखेंगे और समझेंगे। देखिए व्याकरणिक दृष्टि से, देखिए बच्चों व्याकरणिक प्रकार की दृष्टि से प्रत्यय भेद कितने हैं, निम्नलिखित हैं, मतलब बताए जा रहे हैं आपको। वचन बोधक प्रत्यय कौन से हैं? पहले हैं वचन बोधक प्रत्यय, वचन बोधक प्रत्यय, ठीक है। इसमें क्या है कि एक वचन के शब्दों से बहुवचन के शब्द बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वचन बोधक प्रत्यय कहते हैं। मतलब वचन बोधक में क्या है, एक वचन के शब्द अगर हैं तो उनको बहुवचन बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं ये वचन बोधक में आते हैं। जैसे लड़का है तो लड़का एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, इसका बहुवचन हम बना देंगे लड़कों, ठीक है। अन्य उदाहरण देखिए, बच्चों, लोगों, वृक्षों, खेतों। तो इसमें प्रत्यय कौन सा लग रहा है, ओ, ओ, बच्चों, लड़कों, ठीक है। स्त्री, स्त्रियों, ये वचन बोधक है। सड़क, सड़कें, नारी, नारियां, इस तरह से लगाएंगे। नोट कर लीजिए इसको भी, वचन बोधक में अगर यहाँ पर बनाते हैं लड़का एक वचन, इसको जब बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा इसका प्रत्यय ओ, मिलकर बनेगा लड़कों, लड़कों, ठीक है। इसी आधार पर सड़क है, सड़क,
तो सड़क एक वचन है, तो इसका प्रत्यय आएगा आपका ई, मतलब सड़की, सड़की। समझते चलिएगा, एक है नारी, नारी एक वचन, तो इसका प्रत्यय क्या होगा, या चंद्री, नारियां। और जब नारी में बड़ी की मात्रा है तो हम छोटी की मात्रा में बदलेंगे, सॉरी जब बहुवचन, देखिए जैसे नारी में र पर बड़ी की मात्रा है तो जब हम इसे बहुवचन में बदलेंगे तो र पर छोटी की मात्रा हो जाएगी और या के ऊपर चंद्र बिंदु हो जाएगा, नारियां। ठीक है, इस तरह से। तो ये वचन बोधक प्रत्यय हो गए। अब दूसरा है, दूसरा देखिए लिंग बोधक। ये सभी आप लोग नोट करते जाइएगा, इसका पीडीएफ भी भेज दिया जाएगा, अच्छे से आप सभी लोग लिख लीजिएगा। लिंग बोधक प्रत्यय, अब लिंग के आधार पर प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग शब्दों से पुल्लिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उसे लिंग बोधक प्रत्यय कहते हैं। जैसे मोर, मोर पुल्लिंग है, तो मोर का स्त्रीलिंग जब हम बनाएंगे तो इसमें प्रत्यय लगाएंगे नी, नी प्रत्यय देखकर आप समझ जाएंगे कि ये लिंग बोधक प्रत्यय है, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा मोरनी, ऊटनी, शेरनी, चोरनी आदि। जैसे एक यहाँ पर लिख लीजिए लिंग बोधक का, मोर धन नी प्रत्यय, ठीक है, मोर पुल्लिंग है और नी प्रत्यय जब हम लगाएंगे लिंग बोधक प्रत्यय के अंतर्गत तो स्त्रीलिंग हो जाएगा मोरनी। इसी प्रकार बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रत्यय बड़ी की, मिलकर क्या बन जाएगा बेटी। इसी प्रकार लेखक, लेखक है तो इसमें कौन सा प्रत्यय लग जाएगा इका, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा लेखिका। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद है विशेषण बोधक प्रत्यय। विशेषण बोधक में जिन प्रत्ययों का प्रयोग विशेषण बनाने के लिए किया जाता है उन्हें विशेषण बोधक प्रत्यय कहते हैं। जैसे श्रद्धा, श्रद्धा में हम कौन से प्रत्यय का प्रयोग करेंगे कि विशेषण बन जाए, आलू, श्रद्धालु। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इसको, तीसरा वाला क्या है हेडिंग, विशेषण बोधक, विशेषण बोधक प्रत्यय, विशेषण बोधक प्रत्यय, यहां पर इसको नोट कर लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा श्रद्धा, श्रद्धा लिखेंगे और इसमें प्रत्यय कौन सा लगाएंगे, आलू, छोटे ऊ की मात्रा, तो मिलकर बन जाएगा श्रद्धालु, श्रद्धालु। ठीक है, ऐसे। इसी प्रकार भूख है तो विशेषण भूख है, तो भूख प्लस आ, मिलकर बन जाएगा भूखा। दूध है तो दूध का क्या बनेगा, दूध धन आदि, मतलब दूधार। ठीक है, इस तरह से बनाना है। आप सभी अपनी बुक देखकर उसमें से कंप्लीट कर लीजिएगा और इसको नोट भी। तो इतना समझ में आ गया बच्चों। अब चौथा है आपका भाव बोधक प्रत्यय। चलिए ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, फिर आगे हम लोग
देखेंगे चौथा, तीन हो गया है, अब देखिए चौथा क्या है। चौथे नंबर पर है भावबोधक, भावबोधक प्रत्यय। इसमें भाव का प्रयोग हुआ इस प्रत्यय में, जैसे जिन प्रत्ययों का प्रयोग भाववाची संज्ञाएं बनाने के लिए किया जाता है उन्हें भावबोधक प्रत्यय कहते हैं। जैसे अच्छा, तो अच्छाई को तो हम छू नहीं सकते, ये भाव है हमारे मन के अंदर है, इन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो अच्छा है तो यहाँ पर देखिए, यहीं देखिए अच्छा, अच्छा है विशेषण, ठीक है। प्लस इसमें हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे कि भाव बोधक प्रत्यय बन जाए, शब्द अच्छा धन आई, ये आई, आई प्रत्यय किसमें का है, भाव बोधक प्रत्यय है, अच्छा धन आई मिलकर बना अच्छाई, ठीक है। अब है मीठा, मीठा धन आस, ये आस प्रत्यय है। मिठास को जब हम अलग अलग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, मीठा धन आस। तो मीठा तो शब्द है, सार्थक, इसका अर्थ निकल रहा है, और आस क्या है, प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, भाव बोधक प्रत्यय, ठीक है, भाव बोधक प्रत्यय मिठास। तो ये मिठास क्या है, भाव बोधक है। जैसे आप सभी गुड़ खाते होंगे तो गुड़ मीठा होता है, तो गुड़ की मिठास को तो हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं कि छू सकते हैं नहीं, केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है, अनुभव कर सकते हैं उसकी मिठास को, लेकिन हम छू नहीं सकते। तो वही मिठास क्या है, भावबोधक प्रत्यय। अगला देखिए पराया, पराया प्लस पन, ये भी प्रत्यय है, मिलाकर बन जाएगा परायापन। आ गया समझ में, अब चलिए पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, तुलना बोधक प्रत्यय, तुलना बोधक प्रत्यय, तुलना बोधक प्रत्यय, ये क्या होता है, जिन प्रत्ययों का प्रयोग तुलना करने के लिए होता है उन्हें तुलना बोधक प्रत्यय कहते हैं। जैसे अधिक, इसका प्रत्यय क्या होगा, तर, और तुलना बोधक अधिकतर, ठीक है। अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत, इसको भी लिख लीजिए, अधिक प्लस तर मिलकर बना अधिकतर, अधिकतर। और क्या है, अपेक्षा, अपेक्षा प्लस कृत, ये भी प्रत्यय है, मिलकर बन जाएगा अपेक्षाकृत, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आता है आपका व्यवसाय, छठा है, छठा प्रश्न है व्यवसाय बोधक, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, छठवां है व्यवसाय बोधक प्रत्यय, व्यवसाय बोधक प्रत्यय। जिन प्रत्ययों का प्रयोग व्यवसाय बोधक शब्दों की रचना के लिए किया जाता है उन्हें व्यवसाय बोधक प्रत्यय कहते हैं। जैसे जादूगर, जादूगर, ठीक है, देखिए जैसे जादू प्लस गर मिलकर बना
जादूगर, दूध वाला, दूध वाला, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर लेंगे। तो अब आपका प्रत्यय वाला भी पाठ समाप्त होता है। इसमें उपसर्ग और प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग, ये एक टॉपिक बचा हुआ है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। देखिए उपसर्ग और प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग, का एक साथ प्रयोग, ठीक है, एक साथ प्रयोग करना है, ये हेडिंग है। अब देखिए इसमें कैसे एक साथ प्रयोग होता है। जैसे अलौकिकता, यहाँ हम लिखे अलौकिकता, तो इसमें उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है और मूल शब्द भी है। अब इसको हम अलग अलग कैसे करेंगे, देखिए अउपसर्ग, ठीक, ये वाला अउपसर्ग प्लस लोक, ये वाला लोक प्लस इक प्लस ता, देखिए इतना आया इसमें। उपसर्ग और प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग हो रहा है अलौकिकता, अ प्लस लोक प्लस इक प्लस ता, अलौकिकता। इसमें लोक जो है ये आपका मूल शब्द है। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं, जैसे विजयी, विजयी का आप कैसे बनाएंगे, विजयी इसका बनाएंगे, पहले है वि फिर प्लस जय प्लस ई, बन गया उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय, ठीक है, विजयी। इसके बाद बना लीजिए संगठित, संगठित, संगठित है तो सम उपसर्ग हो जाएगा, सम प्लस गठन प्लस ई, बन गया संगठित। सम उपसर्ग है, गठन मूल शब्द है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप लोग अपनी कॉपी में भी अच्छे से लिख लीजिएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, शब्दों के अंत में जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, स्रोत के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। स्रोत के आधार पर तीन होते हैं, तत्सम, तद्भव और देशज, और प्रकृति के आधार पर दो होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय का प्रयोग क्रियाओं के अंत में होता है और तद्धित प्रत्यय का प्रयोग विशेषण में होता है। बस आज आपका पाठ ये समाप्त हो गया। इसको अच्छे से आप सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जहाँ न समझ में आए वहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और अगर लाइव क्लास आप सभी लेते हैं तो उसमें भी आप लोग पूछ सकते हैं। इस वीडियो को बार बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए और अच्छे से याद कीजिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।